हेलो, वेलकम यू ऑल। आज है 11 जून और आप सभी के लिए फिर से एक इम्पॉर्टेंट वीडियो। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आईसीआईसी बैंक के बारे में। तो आईसीआईसी बैंक को एक बड़ा झटका, एक लेटेस्ट न्यूज़ आई है जो मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूँगा। और ये जो न्यूज़ इस टाइम आई है, जहाँ बैंक निफ्टी और निफ्टी रुख बदलते हुए देख रही है मार्केट में, तो आपके साथ ये शेयर करना चाहूँगा मैं इन्फॉर्मेशन। पर उससे पहले चाहूँगा आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, वीडियो को लाइक करें, और आपके हर एक से मुझे मिलता है मोटिवेशन। एंड कमेंट सेक्शंस में आप अपनी डेफिनेटली क्वेरी पूछ सकते हैं, मैं आपको उसमें आपका रिप्लाई दूंगा। तो चलते हैं इसके न्यूज पे। सबसे पहले तो न्यूज आ चुकी है आपकी स्क्रीन पे, जहां अपोलो ग्लोबल मैनेजमेंट जो स्टार्ट करना चाहता है अपना क्रेडिट कार्ड का ओन बिजनेसेस इनके इंडिया में, जो एज यूएस अल्टरनेट एसी मैनेजमेंट का प्लान है कि ये एंड करना चाहते हैं अपना जॉइंट वेंचर विद आईसीआईसी बैंक। तो इनका जॉइंट वेंचर था अपोलो ग्लोबल मैनेजमेंट का, जो इनकी फर्म थे आयोन कैपिटल, जिसकी थ्रू ये फंड कर रहे थे इंडिया में। और इनका प्लान है कि ये स्टॉप करना चाहते हैं पुटिंग न्यू मनी इन दिस, जो इनके क्रेडिट कार्ड के बिजनेसेस के साथ इनकी डील थी आईसीआईसी बैंक के साथ, जहाँ फंडिंग वाले रखते थे, देते थे इंडिया में करते थे, वो कहीं ना कहीं ये स्टॉप करना चाहते हैं और फंडिंग के साथ साथ एंड करना चाहते हैं इन वेंचर्स को और अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। और उस और इन्होंने ये अपोलो ने इन्फॉर्म भी कर दिया आईसीआईसी को अपने इंटेंशंस। तो अब आप सोचिए, इस टाइम कैश इज़ द किंग वाला मार्केट है, इससे भी इनको काफ़ी कैश मिलता था जिससे जॉइंट वेंचर में अपने बिजनेसेस रन करते, और जहाँ से फ़ायदा होता था जॉइंट वेंचर में कहीं ना कुछ परसेंटेज अपोलोज डेफिनेटली रखता था और आईसीआईसी बैंक को भी इसका फ़ायदा मिलता था। पर ऐसे टाइम में अगर ये पैसा फंडिंग रोक देंगे और अपना जो इनका वेंचर थे वो भी एंड कर देंगे, तो भैया आईसीआईसी बैंक पे झटका पड़ेगा डेफिनेटली, क्योंकि इस टाइम कैश इज़ द किंग वाला हिसाब है। जिसके पास फ्री ऑफ कैश ज़्यादा है वो ही ज़्यादा स्टेबल दिख रहा है बैंक में से। तो बैंक को ये बड़ा झटका लगा आईसीआईसी बैंक को, क्योंकि अपोलो एक बड़ा प्लेयर है, क्योंकि जब लगभग अगर बात करें तो 316 बिलियन एसेट्स इसकी ग्लोबली है, और इसने अपने ऑफिस मुंबई में भी ओपन किए थे 2008 में इनके वेबसाइट के अकॉर्डिंग। और इनका जो फाउंडेड आयोन कैपिटल था, इनकी स्ट्रेटेजी पार्टनरशिप थी आईसीआईसी वेंचर के साथ ऑलमोस्ट 3 ईयर के साथ, और कहीं ना कहीं ये वेंचर की पार्टनरशिप मैच्योर्ड हो चुकी है। और वहीं अगर हम बात करें तो इनके जो मैनेजमेंट थे लगभग 660 मिलियंस का एसेट्स थे इनके पास एज ऑफ मार्च 31st, और इसमें से इंटरेस्ट नेट इंटरेस्ट रेट ऑफ रिटर्न लगभग 5% आते थे। अगर 5% के भी रिटर्न आते थे इतने ह्यूज अमाउंट में से, और उसमें से बैंक को आईसीआईसी बैंक को अगर 2.5% का भी अगर हाफ बोल दे कि फ़ायदा मिलता था, तो भाई साहब कितना बड़ा, मतलब कि नुकसान ही बोलेंगे कि एक किस्म से जो इधर से प्रॉफिट्स आते थे वो कहीं ना कहीं अब रुक जाएंगे। और आईसीआईसी बैंक के लिए काफ़ी बड़ी बात है कि फंडिंग रुक गई, वेंचर कैंसिल हो गया क्योंकि मैच्योर हो चुका है, और ये दोनों पार्टीज़ एग्रीड हुई है इनके देयर रिलेशनशिप में जो ये एंड करना चाहते हैं। और अब ये दोनों कंपनी फ्री है, इंपिडेंटली ये एक दूसरे को, मतलब एक दूसरे के साथ अब कॉम्पिटिशन ही हो गया। आईसीआईसी बैंक अपना भी क्रेडिट कार्ड चलाता है, ये भी अपना क्रेडिट कार्ड आ जाएगा, अब एक दूसरे का अंगेज हो जाएगा, एक दूसरे का अंगेज क्या, मतलब क्या, अगर अपोलो की बात करें तो जितने भी बाकी प्लेयर्स हैं इंडिया में जो अपने क्रेडिट कार्ड वालों के बिजनेस करते हैं, ये एक अलग से अब वो निकल के आएगा और ये सबके साथ अब कॉम्पिटिशन देगा। तो कहीं ना कहीं कॉम्पिटिशन तो चलो ठीक है, पर आईसीआईसी बैंक को ये फंडिंग जो रुक गई है और जो प्रॉफिट थे इनकी तरफ से वो भी, मतलब जो शेयरिंग प्रॉफिट थे वो भी रुक जाएंगे, तो कहीं ना कहीं ये फ़र्क आईसीआईसी बैंक को इसका डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में पड़ने वाला है। और अब जो अपोलो है वो अपना खुद का एडवाइस करेगा आयोन इन्वेस्टमेंट में अनटिल द एंड ऑफ दिस फंड टर्म, मतलब कि अब आईसीआईसी बैंक की भी नहीं चलेगी, अब ये ही गाइड करेगा इसको क्या करना है जब तक ये टर्म इनका मैच्योर्ड टी इसके लेवल्स की इनकी ख़त्म नहीं होती। तो ये बड़ा ही झटका हम बोलेंगे आईसीआईसी बैंक को ऐसे टाइम में, जहां
कैश इज द किंग की मार्केट है। और वहीं अगर मार्केट की बात करें तो ये लगभग सेंसेक्स के साथ ही भागता हुआ दिख रहा है। एक लिए पिछले मंथ में सेंसेक्स 6%, ये भी 6% अपसाइड रहा। और पिछले एक वीक की बात करें तो सेंसेक्स 1.3% डाउन और ये लगभग 1.93% डाउन। तो अब ICICI बैंक मार्केट का प्लेयर हो गया, इंपिटेंटेंट है, भाग नहीं रहा है ना गिर रहा है, मार्केट जिधर को रहेगा उधर की चाल में ये चलता वन नज़र आ रहा है। वहीं अगर हम इसके रिजल्ट्स की फिर से एक बार एनालिसिस करें तो इस बार इसने 1221.36 करोड़ के प्रॉफिट कमाए थे। क्वार्टर टू क्वार्टर बहुत बड़ा 70% का डिक्लाइन था, पर ईयर ऑन ईयर बेसिस हमारे को जंप देखने को मिली थी। और जो इसके रिजल्ट्स के रिएक्शन थे मार्केट के, कहीं ना कहीं अगले दिन हमारे को डाउनसाइड में ये शेयर जाता हुआ दिखा था। मोस्ट होल्डिंग FIIs के पास है और FIIs सबसे बड़ी कटौती करता हुआ नज़र आया लगभग 2% की। म्यूचुअल फंड ने काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ किया 1.63 और अदर DIs भी लगातार अच्छी खासी इंक्रीज़ करते हुए नज़र आ रहे हैं लगभग 2.32% से। अगर बात की जाए ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न को देख के तो इक्वल टू ही बोलूँगा, क्योंकि जितना पैसा, जितनी होल्डिंग कम हो रही है उतनी ज़्यादा होल्डिंग हमारे को इंक्रीज़ भी होते हुए इस शेयर में डेफिनेटली दिख रही है। और वहीं फिर भी इतनी शेयर होल्डिंग खरीदने के बाद ऑलमोस्ट 551 से गिर के 239 तक ये शेयर पहुंचा था और अभी करंटली बात वैल्यू करें तो 341 के आसपास ट्रेड कर रहा है, जो इसके 20 डेज के EMAs के ऊपर है। बाकी 50 को इसने सपोर्ट बनाना चाहता था, पर यहाँ कंटिन्यूस में काफ़ी दिनों तक लड़ाई चलती रही पिछले 3-4 ट्रेडिंग सेशन में, पर इसको आज ये तोड़ के डेफिनेटली नीचे आ चुका है पूरे क्लियर तरीके से। अब 20 डेज का EMAs को सपोर्ट ले रहा है, 100 और 200 तो काफ़ी ऊपर इसके EMA अभी भी बने हुए हैं। और वहीं अगर वनडे के चार्ट में देखें तो इस न्यूज़ का इंपैक्ट और मार्केट जो गिरावट बैंक निफ्टी और निफ्टी निचले साइड में दिख रहा है, तो इसको अगर 328 पे सपोर्ट नहीं मिला तो निचले लेवल बॉलिंजर बैंड 283 के आसपास हमारे को फिर से दिखा रहा है, जो इसके ऑलमोस्ट पिछले दो बॉटम के आसपास ही नज़र है। मतलब कि ये हर बार यहीं से वापस चढ़ता आ रहा है, ज़रूरी नहीं है तो इतना नीचे जाए, पर अगर इसने इसको सपोर्ट 328 के पास इसमें हमारे को मुड़ता हुआ ये फिर से ऊपर देख सकता है, तो ये क्रिटिकल सपोर्ट रहेगा अकॉर्डिंग टू बॉलिंजर बैंड। और अगर बॉलिंजर बैंड की जगह हम पाइवट यूज़ करें तो 325 इसमें निचले स्तरों पे सपोर्ट दिखा रहा है और ऊपरी तरफ रेजिस्टेंस 365 के आसपास दिखा रहा है, जो इसने 3-4 बारी इसको क्रॉस करने की कोशिश की। वहीं पिछली बारी भी इसने यहाँ पे ये सेम प्राइजेज है जो इसको लगातार मतलब कि इसको बीट अप नहीं कर पा रहा है, यहाँ पे टेस्ट करता है लेवल, कहीं ना कहीं सेलिंग प्रेशर तो आ ही जाता है इन लेवल्स पे जो ये 365 की, और उसके बाद हमारे को शेयर में डाउन मूवमेंट देखने को मिलती है। तो कि सपोर्ट हमारे को 325 निचले साइड में अगर ये टूटता है तो अकॉर्डिंग टू बॉलिंजर बैंड लगभग ये 300 के लेवल के नीचे 292 तक हमारे को जाता हुआ दिख सकता है। अगर कल की मूवमेंट की बात करें तो कल की अगर इसने अपवर्ड मूवमेंट लेनी है तो इसको क्लोजिंग लगभग 348 के ऊपर देना होगा। अगर ये कल क्लोजिंग इसके ऊपर करता है तो हम इसमें अपर अगले दिन के लिए एक अपसाइड मूवमेंट फिर से देखने को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वहीं अगर बात करें इसने अपने निचले लेवल 335 को तोड़ दिया तो ये 325 के लेवल्स को डेफिनेटली टेस्ट करता हुआ नज़र आ सकता है। वहीं अगर हम बात करें वनडे के चार्ट में RSI की, लगभग 56 के आसपास है, अब 50 अभी भी स्ट्रेंथ दिखा रहा है प्राइस में। और वहीं MACD की बात करें तो ऑलमोस्ट फ्लैट है। और वहीं अब आ चुके हैं हम इसकी डिलीवरी सेक्शन में, तो इस गिरती हुई मार्केट में भी इसमें ऑलमोस्ट 20% की हमारे को डिलीवरीज देखने को मिल रही है। लगभग 72,45,337 शेयर्स इसमें डिलीवर होते हुए दिख रहे हैं। आज डाउन लगभग 3% से ज़्यादा डाउन रहा है, 11.25 की गिरावट हमारे को देखने को मिली है। तो हाई इसने लगभग 354 का बनाया था अपने प्रीवियस क्लोज से अगर बात करें तो सिर्फ मात्र 1.20 रुपये ऊपर। तो मतलब आज इसमें कोई भी स्ट्रेंथ हमारे को देखने मिली, स्टार्टिंग से ही हमारे को इसमें प्रेशर बिल्टअप नज़र होता हुआ है। और अब ये न्यूज़ आई है और बैंक निफ्टी और निफ्टी का रुख मुड़ चुका है, तो निचले लेवल जो इसके 325 है ये क्रूशल लेवल रहेगा। अगर ये टूटा तो फिर से ये 300 के नीचे के लेवल्स टेस्ट करता हुआ फिर से नज़र आ सकता है अपने पिछले दो बॉटम्स को, जो लगभग 280 और 285 के बीच में है। तो दोस्तों अगर वीडियो लगा हो इंफॉर्मेटिव प्लीज सपोर्ट सब्सक्राइब द चैनल, लाइक कीजिए वीडियो को, यार मोटिवेशन मिलता है। कमेंट सेक्शन में अपनी क्वारी पूछिए, डेफिनेटली रिप्लाई करूँगा, मेरा जॉब बनता है। एंड अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। भारत माता की जय। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।